हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू साइबर ड्राइव। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जो आपका नॉइज लेवल बिल्कुल ज़ीरो कर देगा, जिससे कि आपका एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम बच जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ एनवीडिया ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर की। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर के यूज़ कैसे करेंगे और इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक RTX ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। आप विदाउट RTX ग्राफिक कार्ड के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट वो तरीका मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। इसके बाद आपके सिस्टम में 8GB रैम होनी चाहिए, इससे कम रैम होगी तो भी चलेगी। इसके बाद यहाँ पे CPU i5 होना चाहिए जो कि 8th जनरेशन हो, और अगर आप AMD CPU यूज़ करते हैं तो Ryzen 5 सेकेंड जनरेशन या उससे हायर CPU हो। इसके बाद आपको NVIDIA सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो भी ग्राफिक कार्ड है उसके ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए, और साथ ही साथ जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप सिंपल इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इस सॉफ्टवेयर को इजीली आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है ताकि वीडियो लंबी ना बन पाए। इसका कैसे यूज़ करना है चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपके पास एक ऑडियो रिकॉर्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। आपको NVIDIA ब्रॉडकास्ट का कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से इस सॉफ्टवेयर से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर NVIDIA ब्रॉडकास्ट इनेबल है इसलिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। मैं रिकॉर्डिंग में आपको बताऊँगा कि कैसे इसकी वॉइस आती है। अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए मैं अब आपको सैंपल दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, ये जो सैंपल है, इस सैंपल में मैंने NVIDIA ब्रॉडकास्ट को इनेबल नहीं किया है, और अब जो मैं वॉइस रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो NVIDIA ब्रॉडकास्ट की हेल्प से होने वाली है। मैंने यहाँ पर NVIDIA ब्रॉडकास्ट को इनेबल कर दिया है और अब आप मेरी वॉइस में डिफरेंस देख सकते हैं। बट दोस्तों, आप रिकॉर्डिंग करते टाइम ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने जो माइक्रोफोन है वो यहाँ से NVIDIA ब्रॉडकास्ट लिया हुआ है। इसके बाद ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, तभी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।